हेलो दोस्तों, जयंत आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में क्या करते हैं, मैथ का भी छोटा छोटा जो भी फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जिसको हम सबको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किताब में चले जाएंगे। तो 20 तारीख के बाद आप लोगों को बता रहे हैं क्लास 8, 9, 10 का आप लोगों का मैथ का आप लोगों को तो क्लास होगा ही, मैथ साइंस सोशल साइंस का भी आप लोगों का क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी चैनल में नए हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाला है ना सेमेस्टर टू का, सेमेस्टर वन का लगभग सबका तैयारी हो चुका है, सेमेस्टर टू का आप लोगों का क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसके चलते जो भी हम लोग का बेसिक चीज़ है उस सब चैप्टर पढ़ने के लिए, तो बेसिक चीज़ सबको हम इस वीडियो से जानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम लोग का जो आज का टॉपिक है क्या, अर्धगोला। गोला खत्म हो चुका था, बेलन खत्म हो चुका, शंकु खत्म हो चुका है, ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज खत्म हो चुका, घन घना बाकी सभी करवा देंगे हम क्षेत्रमिति के। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक है क्या, अर्धगोला। तो अर्धगोला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी स्फीयर, और स्फीयर मतलब होता है गोला। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो फिगर देखा हम लोग किस स्टेप से दिख रहा है ना, ये देखिए बिल्कुल कैसा दिख रहा है, कुछ भी से लोहा जो कंचा होता है ना, गिट्टी जो हम लोग खेलते हैं ना, रंग बिरंगा जो कंचा खेलते हैं, वो अगर बीच में टूट जाता है किस तरह से रखता है, इसी टाइप का दिखता है, देखिएगा, ठीक है। बीच में क्या रहता है, पूरा प्लेन रहता है, प्लेन सरफेस यही वाला भाग है। और अगर इसका हम ऐसा करते हैं, अगर बस कुछ नहीं करते ऊपर में, तो ऐसा बस करते हैं, ये कैसे दिखता है, कोई क्रिकेट बॉल या जो भी अंडा का दूसरा टुकड़ा का जैसे दिखता है ना, तो ये भी अर्धगोला ही है। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बस कवर वाला हो जाएगा, इसका क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकलेगा जिसको बोलेंगे इस कलम, ठीक है, छिलकिया का क्षेत्रफल लोग सब निकल जाएगा इसका, ठीक। तो हम लोग क्या, इसका संपूर्ण अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या फिर अभी बोलेंगे वक्र बोलेंगे, यानी सिर्फ ऊपर वाला भाग को छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला भाग को हम लोग छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हम लोगों का 2πr², ठीक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2πr². तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हम लोगों का क्या क्या कांस्टेंट है, 2 और पाई क्या कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू सबको पता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14, इसको डिवाइड दीजिए तो यही लगभग आ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते जाता है। तो हम पॉइंट को दो डिजिट को लिखते हैं, जब तक कहाँ ना जाए 3.14 ले, तब तक हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 22/7 का यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या, जो अचर मान जिसको बोलेंगे, जो चेंज नहीं होगा, 2 और पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। तो आर कौन सा होगा, आर देखिए ये जो हम लोग का क्या अर्धगोला है, तो ये इसका केंद्र होगा, यानी क्या जगह, उनका सेंटर है ना, क्या जगह, सेंटर, यानी सी हो जा रहा है। तो सेंटर से जानते हैं हम लोग गोला के कहीं भी उस दीवार पर अगर कोई भी अगर उसे रेखा खींचेंगे क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा, वो इधर हो या फिर इधर नीचे भी अगर चल जाएगा नीचे, ठीक है, वो भी इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, दोनों सबका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो वाला इसका त्रिज्या यानी सी हो जाएगा वहाँ पे, तो सी यहाँ पे हमको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमको त्रिज्या दिया रहेगा या फिर व्यास दिया हुआ रहेगा। तो अर्धगोला में होता है देखिए ये सब इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, होगा ना, ये सब क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा ना, और इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो आधा त्रिज्या यानी त्रिज्या का हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, व्यास को डी बोलते हैं। अगर हम लोग डी दिया हो जाता है फिर भी उन्हें आर निकाल सकता है, अगर आर दिया हो जाएगा फिर भी उन्हें डी निकाल सकते हैं। हम लोग क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्षेत्रफल से आर का भी वैल्यू निकालेंगे, आर से डी का भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हम लोग खुद से कुछ कुछ वैल्यू लेते हैं, मान के चलिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दिया है, मान के चलिए दिया है किसी अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया गया है, मान के चलिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, किसी अर्धगोला का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, हम लोग को क्वेश्चन ही बोला, ठीक, क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए हम लोग का आर दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2 का 2, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14×14,
सात के साथ, सात दुना 14 हो गया, जब बच्चे उसको लिख दीजिए 22 दुना कितना जगह कहीं 44 गुना यहाँ पे 14 दुना 28। अब 28 से 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 28 44 चार अठा 32 का 2 असल 3 चार दुना 8 8 और 3 कितना आ जाएगा 11। सेम उसी को उतार दीजिए 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 एक ती सॉरी एक दो तीन दो सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्षेत्रफल बोला गया, इसलिए क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। हम लोग का क्या क्या आंसर, यानी अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या, 2πr² होगा। 2πr² हम लोग का 2 और पाई का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगा, आर का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग किसी क्वेश्चन में मांगते थे डी का वैल्यू दिया रहेगा और हम लोग को बोला जाएगा कि आप लोग क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए, तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, नहीं इसको मिटा लेते हैं। अब बोला जाएगा यहाँ पे व्यास मांग के चलिए, ठीक है व्यास कितना दिया गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ से, हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए व्यास जब दिया गया तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है इसको लिखते हैं हम, यदि किसी ना तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है व्यास यानी डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसीलिए आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी बाई टू इज इक्वल टू 14/2 दो सात 14, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग वृत्त वगैरह सब जगह हम लोग आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आर का वैल्यू कितना निकला हम लोग 7 निकला, 7 सेंटीमीटर निकला। अब क्या निकले हम क्षेत्रफल, इसीलिए अर्ध गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² 2 का जगह 2 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कितना 7×7 क्योंकि आर हम लोग का 7 निकला ना, आर का स्क्वायर 7×7 एक एक को 7 कटेगा काट दीजिए 22×44×7 और ये देखो सेंटीमीटर में था आर इसलिए सेंटीमीटर और स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं 4×7 7×4 28 हासिल कितना है उन लोगों का 2 7×4 28 28 2 7×4 28 28 8 हासिल 2 7×4 28 28 2 30 यानी 308 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और स्क्वायर, ये हम लोग क्या हो गया आंसर है क्या। अब देखिए हम लोगों का जब यहाँ पे अगर बोलेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, ये तो हम लोग का क्या से निकाला हम लोग व्यास से त्रिज्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या के बाद हम लोग क्या निकाले यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं व्यास निकाल सकते हैं, उसका उल्टा करके बनाते हैं ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब देखिए 308 उसको छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं ना डायरेक्ट हल करते हैं। यदि दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है क्या बोलता है, यदि दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया हम लोगों का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्या क्या निकालना है, आर बराबर किया होगा और डी बराबर किया होगा ठीक है, इसको निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है ना, हल करते हैं यहाँ से ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² और हमें कितना दिया गया है 308 दिया गया ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
टू पाई एस का किसका वैल्यू चाहिए, पहले आर का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू निकल जाएगा तो डी का भी वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए आर को क्या करते हैं हम अलग करेंगे और बाकी सबको उतर ले जाएंगे बराबर के उस पर। अब देखिए आर स्क्वायर का अलग क्यों, इधर उधर कितना बचा लूँगा 308, कितना बचा लूँगा 308, इधर कितना हम लूँगा, इधर हम लोग कितना था 308 हो गया उधर। अब इधर देखा लूँगा जो 2π था, 2π नीचे चला जाएगा, 2π पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा 7, और जो कटेगा उसको काट देते हैं 2×11 22 और भी कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 2×15 30 2×4 8 ठीक है, गाछ तो कटेगा नहीं कट जाएगा, 11×11 कितना बचा यहाँ पर 4×4 44 2×2 2×7 14। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 7 यहाँ बचा है और ऊपर में 7 बचा है, 7 कितना जाएगा हम लोगों का 49, आर को अलग कीजिए √49, इसका मतलब क्या हुआ 49 का वर्गमूल, और हम लोग जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होता है हम लोगों का 7 होता है, इसलिए आर का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों का 7 सेंटीमीटर निकल गया ठीक है। अब जब हम लोग आर का वैल्यू निकल गया तो हम लोग डी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए आर इजिकल टू जब हम लोग का 7 सेंटीमीटर हो गया तो डी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग क्या जानते हैं आर डी इजिकल टू क्या होता है 2, या फिर आर इजिकल टू हम लोग बोल सकते डी बाई 2, जैसे डी को अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2R, यानी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा 2×2, आर का वैल्यू कितना लूँगा 7 सेंटीमीटर, इसीलिए डी इजिकल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 7×14 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम लोग क्या कर सकते हैं डी से आर भी निकाल सकते हैं, आर से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या से हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल अगर दिया हो जाएगा तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, यानी व्यास भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर फिर भी अगर कहीं पर आप लोगों को दिक्कत होता है पूछिएगा ठीक है, कॉमेंट कीजिएगा ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।